जय हिंद दोस्तों। तो मैं आज आप लोगों के लिए लेके आया हूँ सबसे पहला और सबसे महत्वपूर्ण जो हमारा भाग है बॉडी के अंदर, जिसे हम कहते हैं क्या, स्केलेटन सिस्टम। स्केलेटन सिस्टम आप जो ये देख रहे हैं, ये इसे हम हिंदी में क्या कह सकते हैं, हड्डियों का ढांचा या कंकाल, जो आपने स्कूलों में भी पढ़ा होगा। और आप जो मुन्ना भाई MBBS मूवी देखे होंगे, उसमें क्या कहते हैं कि जो 206 हड्डियों के बारे में बताते हैं, तो वही 206 हड्डियों के बारे में मैं आज आपको जानकारी दूंगा। तो सबसे पहला क्या है, स्केलेटन सिस्टम। अब इसके जो भाग है, इसके भाग, इसको हम दो प्रकार से बांटते हैं। सबसे पहला क्या आता है, सबसे पहला आता है आपका एक्सियल बोन्स, इसमें टोटल आते हैं 80। दूसरा आता है क्या, एपेंडिकुलर बोन्स, इसमें 126। टोटल कितना हो गया, 206। अब आप देखिए, जो एक्सियल बोन है, एक्सियल बोन में कितने आते हैं, 80, एपेंडिकुलर में 126। ये टोटल कितना हो गया, 206। जो मुन्ना भाई घूम जो बोलते थे, हम मुन्ना भाई बोला वो अपना 206, हमें तो पता भी नहीं था बोला कौन सी, बोला 206 हड्डियों के बारे में। अब 206 हड्डियों के बारे में तोड़ते वक्त तो याद नहीं रहता, लेकिन अब ये जो 206 हड्डी है, इसके बारे में मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। अब इसमें जो एक्सियल बोन आप जो देख रहे हैं, एक्सियल बोन, इसमें कितने हैं, 80 बोन होते हैं। तो ये जो है, इसको हम क्या कहते हैं, स्कल बोन्स। स्कल बोन्स जो है, इसमें टोटल होते हैं 22 हड्डियां। और 22 में सबसे पहला, इसको दो भाग में आप देख रहे होंगे बांटा गया है, इसको बोलते हैं क्रेनियल बोन्स, जिसमें होते हैं 8, और ये होता है फेशियल बोन, इसमें होते हैं 14। तो सबसे पहला क्या है, क्रेनियल बोन। और क्रेनियल बोन में जो सबसे पहला वाला आपको भाग देख रहे हैं, इसे हम क्या कहते हैं, फ्रंटल बोन। दूसरा जो आप ये कान के पास देख रहे हैं, इसे हम कहते हैं क्या, टेम्पोरल बोन। यहाँ आप टच करोगे तो आप टेम्पोरल बोन। उसके बाद ये जो ऊपर के साइड में, उसे हम क्या कहते हैं, पेराइटल बोन। और पीछे वाला जो भाग है, उसे हम क्या कहते हैं, ऑक्सिपिटल बोन। तो इसके, अब इसके बाद में जो है, अंदर की तरफ देखोगे तो एथोमॉइड एस्फोनॉइड, ये टोटल कितना होगा, क्रेनियल बोन 8 हो गए। अब ये जो फेशियल बोन है, इसके बारे में मैं बताता हूँ। तो इसमें सबसे पहला क्या आता है, जाइगोमैटिक। जाइगोमैटिक कितना होता है, 2। उसके बाद होता है लैक्रिमल। लैक्रिमल कौन होते हैं, 2। उसके बाद लैक्रिमल के बाद में क्या आता है, लैक्रिमल मैक्सिला। मैक्सिला ये देख रहे हैं आप, ये देख रहे हैं मैक्सिला, ये होते हैं कितने, 2 बोन होते हैं। उसके बाद क्या होता है, नजल। नजल ये देख रहे हैं, ये 2 होते हैं। इंफेरियर नजल, आप इसको डीपली देखोगे तो यहाँ पे 2 अंदर में हड्डियाँ हैं, इसे हम इंफेरियर नजल बोन्स कहते हैं, ये हो गए 2। भूमध्य 1 होता है। उसके बाद में आपको क्या बोलते हैं, इसको कहते हैं क्या, मैंडिबल। मैंडिबल क्या होता है, 1। उसके बाद में है जो पैलाटाइन। पैलाटाइन जो है, आप आ करोगे और अंदर के साइड में जो यहाँ पे जो बोन होता है, 2 आप अटैच करोगे, ये 2 बोन होते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, पैलाटाइन बोन। ये हो गया हमारा कौन सा बोन, ये हो गया हमारा स्कल बोन। अब उसके बाद में आपको मैं ले जाऊंगा कहाँ, उसके बाद में मैं आपको लेके जाऊंगा वर्टिब्रा कॉलम के बारे में। अब ये जो वर्टिब्रा कॉलम जो देख रहे हैं, ये हमारे नर्वस सिस्टम का सबसे महत्वपूर्ण भाग होता है। इसमें नर्वस सिस्टम के बारे में आपको मैं बाद में बताऊंगा, जिसके बारे में क्या है, इसमें कितने 31 नर्व होते हैं और ब्रेन में कितने नर्व होते हैं, ये सारा कुछ मैं आपको बाद में बताऊंगा। लेकिन सबसे पहला क्या है, आप इस बोन के बारे में पढ़े, ये बोन क्या होता है, जो हमारे ये वर्टिब्रा कॉलम है। तो इसमें सबसे पहला क्या होता है, सर्वाइकल 7, थोराइसिस 12, लुम्बर 5, साइक्रम 5, कोकोजियल 4। अब इसके बारे में सबसे पहला क्या है, पहला आता है एक्सियल, जो आप मूवमेंट करते हैं इस बोन को हम कहते हैं एक्सियल बोन। दूसरा क्या है, एटलस, जो हमारे पूरे बॉडी और ये जो गर्दन का जो जोड़ होता है, जिसको ये सपोर्ट देता है, उसे हम क्या कहते हैं, एटलस बोन। इसी के अंदर होता है सी बोन, सर्वाइकल। सर्वाइकल 7, थोराइसिस 12, आप गिन लोगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 क्या होगा, सर्वाइकल। उसके बाद 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, थोराइसिस 12, लुम्बर 1, 2, 3, 4, 5, 5 हो गए, साइक्रम 5, 1, 2, 3, 4, 5, और ये 4, 1, 2, 3, 4, कोकजियल 4, ये टोटल क्या हो गया आपका, वर्टिब्रा कॉलम। तो उसके बाद में क्या आ गया आपका, आ गया उसके बाद रिब्स। ये क्या आ जा रहा है, ये भी सीट का भाग है, जो आपको मैंने बताया था एक्सियल बोन का भाग है। इसमें टोटल 24 होते हैं। इसमें जो आप देख रहे हो, ये ट्रू रिब्स है, जो 7 इधर है, तो ये पूरा ज्वाइंट के साथ ड्रॉ है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7।
ये तो है, ये जॉइंट के साथ 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 चौथा ये कौन सा होता है, रिब्स का ट्रू रिब्स। उसके बाद फोर्स रिब्स, जो फोर्स रिब्स देख रहे हैं ये एक दो तीन जो आप देख रहे हैं एक दो तीन, ये जो इसके साथ ही अकेला जुड़ा हुआ तीन सिंगल में उसको क्या कह रहे हैं फोर्स रिब्स। अब जो उसके बाद क्या कहते हैं उसको हम कहते हैं फ्लोटिंग रिब्स। अब जो फ्लोटिंग रिब्स है वो होते हैं दो, एक दो एक दो, ये जो दिख रहे हैं ये बोथ साइड होते हैं, तो ये फ्लोटिंग रिब्स हो गया। तो देखा होगा आपने अमिताभ बच्चन का मूवी देखा होगा आपने जिसमें उसका यही फ्लोटिंग रिब्स ही तोड़ देते हैं, वो विलन जो था वो इसी के ऊपर फ्लोटिंग रिब्स के ऊपर जो मारते हैं पंच, तो वो फ्लोटिंग रिब्स हो गया। तो ये हमारा क्या हो गया दोस्तों, ये हो गया हमारा एक्सियल बोन। अब अपेंडिकुलर, अपेंडिकुलर बोन में जो देख रहे हो आप, अपेंडिकुलर बोन में क्या होता है, ये जो एक अपर लिम्स कहते हैं या लोअर लिम्स कहते हैं, अपर लिम्स में कितने बोन होते हैं, अपर लिम्स में 64 बोन होते हैं। अब सबसे पहला क्या बोलते हैं, सबसे पहला ये आप जो देख रहे हैं इसको कॉलर बोन या क्लेविकल बोन कह सकते हैं। ये कितने होते हैं, दो बोन होते हैं। उसके बाद ये जो ये देख रहे हैं आप, ये कंधे के साइड में ये इसको बोलते हैं स्कैपुला, ये कितने होते हैं, दो। उसके बाद इससे क्या कहता है, ह्यूमरस कहते हैं, ह्यूमरस कहते हैं, ह्यूमरस बोन जो होता है ये हमारा जो हाथ के पास में आप देख रहे हो ह्यूमरस बोन। फिर उसके बाद में ह्यूमरस, फिर उसके बाद ये जो देख रहे हैं आप रेडियस, ये अल्ना। उसके बाद में ये क्या है, ये है कार्पल बोन। फिर कार्पल बोन कितने होते हैं, आठ। मेटाकार्पल होते हैं पांच और फ्लैंजेस होते हैं 14। अब इसका बोथ साइड आप जोड़ लोगे इसके बाद ये हो गया 64 बोन्स। उसके बाद में आप लोअर लिम्स को चले जाओ, आप इसको जो देख रहे हो इसको हम कहते हैं पेल्विक, पेल्विक होता है दो। अब इसको डीपली में मैं बताऊंगा, इसके बारे में बताऊंगा जो आप नेक्स्ट वीडियो में देख सकते हैं। उसके बाद में आप जो ये लोअर लिम्स में जा रहे हैं, तो लोअर लिम्स में कितना होता है, 62 बोन्स होते हैं। अब इसमें 62 बोन में आप ये देखोगे इसे हम कहते हैं फीमर बोन, इसको कहते हैं टीबिया फिबुला। अब टीबिया के बारे में भी बहुत इसका डिटेल में हम बताएंगे, फीमर के भी बताएंगे, इसके फ्रैक्चर के बारे में बताएंगे। उसके बाद में क्या होता है टार्सल, आपने अब इसमें देखना सबसे पहला बात, इसमें उसमें 8 था इसमें 7 होगा। जो ये 7 देख रहे हैं आप ये क्यों कम होता है, क्योंकि यहाँ पे बीच में क्या है इसको पटेला कहते हैं, तो ये पटेला यहाँ आ जाता है, ये जो बोन है मतलब इसमें ये पटेला यहाँ पे एक जुड़ गया, इसकी वजह से क्या होता है ये कितने बोन हो जाते हैं, ये टोटल ये दो बोन जुड़ गया, यहाँ 7 है। उसके बाद क्या है डार्सल हो गया, मेटाटार्सल 5 और फ्लैंजेस 14। तो ये दोस्तों हो गया आपका, ये दोस्तों हो गया आपका क्या, ये आपका मुख्य हो गया स्केलेटन सिस्टम के बारे में। अब इसके बारे में आपको डीपली जानकारी मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको दूंगा। इसके लिए थैंक यू, धन्यवाद और जय।